हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। हम देखेंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह से हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इसको हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो बहुत ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखता हूँ, उसको समझाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, उसके थ्रू हम समझ जाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पर मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने कुछ इस टाइप से लिखा और मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ इस टाइप से लिख देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है, ये दो एग्जांपल हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। ज़रा सा आप बताइए, इसमें रेजोनेंस किस तरह से होगा? इसमें रेजोनेंस कैसे होगा आप बताइए। ये है लोन पेयर सिंगल डबल, क्या ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? अगर ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका रेजोनेंस हो जाएगा। चलो एक बार इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। अगर आप इसका एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एच माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं बोलता हूँ जरा सा यहाँ पर एक बार बताइए, तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे? अब देखो, ये ऑक्सी, ये सी डबल बॉन्ड है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये कैसा है, डबल सिंगल डबल, पाई सिग्मा पाई, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से। तो चलो एक बार इसमें बताओ कैसे बनाओगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सी एच टू सी एच सी एच, यहाँ पर क्या कर दोगे, सी एच डबल बॉन्ड सी, ऊपर आ जाएगा ओ निगेटिव, यहाँ पे सी एच थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन के ऊपर प्लस। ये क्या बन जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूड कर रहे हैं, ये जो ओ सी एच थ्री ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस पूरे के पूरे कार्बन सिस्टम के अंदर डोनेट कर रहा है। ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ओ सी एस थ्री ग्रुप है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस पूरे कार्बन सिस्टम में डोनेट कर रहा है, यानी ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये इस कार्बन सिस्टम में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़? जरा सा यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा का पूरा ये कार्बन वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बाहर आपका ग्रुप बैठा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, तो ये ग्रुप आपका कर क्या रहा है, बेसिकली ये अपने रेजोनेंस के थ्रू जो रिंग, ये जो कार्बन वाला सिस्टम है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है। दिख रहा है आपको, देखो ये पूरा कार्बन सिस्टम हो गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, रेजोनेंस के थ्रू ये अपने तरफ ले रहा है और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ भेज रहा है। यानी मीजोमेरिक इफेक्ट को देखो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पे जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट। तो देखो प्लस एम इफेक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यानी प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस। ध्यान सुनो क्या बोला, व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस, तो ऐसे ग्रुप को हम कैसा ग्रुप बोल देंगे, आपका प्लस एम ग्रुप बोल देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, व्हेन अ ग्रुप एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस देन इट इज नोन एज अ माइनस एम ग्रुप। ध्यान सुन लो, इसको लिख लो एक बार डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं। प्लस एम की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस देन इट इज नोन एज अ प्लस एम ग्रुप। और माइनस एम का क्या बोला, व्हेन अ ग्रुप एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू रेजोनेंस देन इट इज नोन एज अ माइनस एम ग्रुप। यानी कोई भी ग्रुप अगर रिंग के, मतलब जो भी सिस्टम है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो प्लस एम, और अगर घटा देगा रेजोनेंस के थ्रू बढ़ाएगा तो प्लस एम, और रेजोनेंस के थ्रू खींच लेगा अपने तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस एम ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई बातें समझ में। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम और माइनस एम ग्रुप। अगली हेडिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस एम और माइनस एम ग्रुप। हमको कैसे पता चलेगा, जैसे कोई भी एक रैंडम एग्जांपल आपके सामने हम बना दे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रुप प्लस एम होगा या माइनस एम ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझना चाहते हैं।
देखो प्लस एम ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैंने पहले ही बताया कि लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, इसको अगर वो डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा आपका, प्लस एम ग्रुप। लोन पेयर या निगेटिव चार्ज भी हो सकता है वहाँ पे। तो यानी ये आपका मान लो एक कार्बन कार्बन का सिस्टम है, इसमें कोई एक एक्स ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अगर ये वाली सिचुएशन है आपकी तो ये ग्रुप आपका कैसा काम करेगा, यहाँ पे प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। क्या बोला, देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, इससे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास क्या प्रेजेंट है आपका, लोन पेयर। तो यहाँ पे ये इसको डोनेट कर देगा रेजोनेंस के थ्रू में, इस तरह से आगे हो जाएगा रेजोनेंस। तो यानी यहाँ पे ये ग्रुप कैसा काम करेगा आपका, प्लस एम ग्रुप की तरह काम कर जाएगा। एक बार माइनस एम ग्रुप को देख लेते हैं। देखो माइनस एम ग्रुप कैसा होता है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या होता है एक्स डबल बॉन्ड वाई, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कैसा ग्रुप होना चाहिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप में होना चाहिए। अगर ये एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप में ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एम ग्रुप हो जाएगा। जैसे पिछला एग्जाम्पल देखो, पिछले एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ले रखा था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो क्या देखो यहाँ पे एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, देखो ध्यान से इससे कंपेयर करके। तो ये एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप सिस्टम है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, इस तरह से ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस एम ग्रुप का आपके सामने एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो प्लस एम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो कार्बन कार्बन सिस्टम है उसके बगल में कैसा ग्रुप लगा होगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप होगा और इसमें माइनस एम के थ्रू क्या करेगा, ये विड्रॉ कर लेगा रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये दोनों कार्बन कार्बन नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्या ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या मतलब ये एक क्या एक माइनस एम सिस्टम है, नहीं ये तो सिंपली एक रेजोनेटिंग सिस्टम बना हुआ है। तो कई बार ऐसा करते हैं, आप कार्बन कार्बन लगा देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि क्या वो आपका एक माइनस एम का सिस्टम है, नहीं ये सिंपली कैसा है आपका, एक रेजोनेटिंग सिस्टम ही बना हुआ है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, आप बताना वहाँ पे कि वो ग्रुप कैसा है, प्लस एम ग्रुप है या आपका माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर आप बताना यहाँ पे। ठीक है, NH2OH, पहले ऐसे इक्वेशंस लेते हैं जो ज़्यादा आपके फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, चलो चलो हमारे साथ ही पहले आप लिख लो क्वेश्चन, फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, एक बार देख लो फिर लिख लो फिर उसको ट्राई करना। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, देन ये हो गया आपके लिए सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेवन, फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है सेवेंथ, चलो इतने हो गए आपके लिए। यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन एट और क्वेश्चन नाइन। ठीक है, पहले इतने क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व करेंगे, फिर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। कर लिया एक बार, चलो अब बताओ यहाँ पे ये ग्रुप कैसा है, आप बताओ यहाँ पे रिंग के साथ में कैसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये कैसा सिस्टम, ये हो गया कॉन्जुगेटेड, इसको आप इस तरह से बना लो अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो। ये हो गया कार्बन कार्बन से कैसा ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, प्लस एम ग्रुप हो जाएगा। तो यानी ये जो NH2 ग्रुप है ये कैसा हो जाएगा, इट इज अ प्लस एम ग्रुप। मैं एक बार देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं ऊपर अच्छे से, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप कैसा है आपका, एक प्लस एम ग्रुप है। अच्छा NH2 ग्रुप माइनस आई बी ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को लिंक कर देते हैं, मीजोमेरिक को भी और इंडक्टिव को भी लिंक कर देंगे। ठीक है, तो आपका NH2 कैसा होता है आपका, प्लस एम ग्रुप, ये तो हमने समझ लिया। और ये कैसा ग्रुप होता है, एक माइनस आई ग्रुप भी होता है, लेकिन ऑलवेज इसका प्लस एम क्या होता है, माइनस आई से ज़्यादा होगा। देखो मैक्सिमम केसेस में आपका प्लस एम ज़्यादा होगा माइनस आई से, गिने चुने ही केसेस हैं जहाँ पे माइनस आई डोमिनेंट हो जाएगा प्लस एम, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन इन जनरल आपको क्या फंडा याद रखना है,
प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, ये होगा। अगर कोई ग्रुप प्लस एम है और साथ ही साथ वो माइनस आई है तो उसका प्लस एम ऑलवेज डोमिनेंट होगा माइनस आई पे। कुछ केसेज है उसको अभी हम देखेंगे तो लिख लेंगे, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। आ गई बातें समझ में इसमें। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फिर से ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा प्लस एम इसका, और ओ एच होता कैसा है माइनस आई, तो इस केस में भी क्या आ जाएगा प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, अब बताओ C डबल बॉन्ड OH में ये कैसा हो गया, ये तो X डबल बॉन्ड Y टाइप सिस्टम हो गया, तो अगर X डबल बॉन्ड Y टाइप सिस्टम हो जाएगा तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा माइनस M, और COH वैसे कौन सा ग्रुप होता है माइनस I। अच्छा अब यहाँ पे कंपेयर करने मत लगना कि माइनस M ग्रेटर देन माइनस I, माइनस I ग्रेटर देन प्लस M, इस टाइप से नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे नेचर अलग अलग था, मतलब कोई डोनेट करने वाला नेचर था, प्लस एम से ये डोनेट करना चाहता है और माइनस एम से विड्रॉ करना चाहता है, तो जब अपोजिट नेचर है तो कंपैरिजन की बात आती है कि जो डोमिनेंट होगा उस हिसाब से नेट काम होगा। यहाँ पे तो दोनों ही विड्रॉ करना चाह रहे हैं, दोनों के दोनों ही एक तरह से कह सकते हो चोर हैं, दोनों के दोनों ही चोरी करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह में हम कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब अपोजिट नेचर होगा तो कंपेयर हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये भी कैसा सिस्टम है, X डबल बॉन्ड Y टाइप है आपका, तो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा माइनस है, और इसको हमने माइनस आई में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताइए, पहले हमको ये बताइए ये ग्रुप लिखा कौन सा है, ये पूरा ग्रुप कौन सा है, इस ग्रुप को आप बोलते क्या हो, इसका IUPAC नेम, ये क्या है आपका एस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एस्टर अगर ऑक्सीजन के साथ में लिंक है तो ये तो लोन पेयर वाला लिंकेड हो गया, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा आपका प्लस एम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप में प्रेजेंट है, समझ में आ रही है बातें। यहाँ पे ये ग्रुप देखो आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, अगर ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो ये तो लोन पेयर वाला सिस्टम है, तो ये कैसा हो जाएगा प्लस एम। यहाँ पे कैसा सिस्टम है, एक्स डबल बॉन्ड वाई है, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस एम, यानी आपका सेम ग्रुप एस्टर यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपका, ये भी कैसा है एस्टर ही प्रेजेंट है, यानी सेम ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिंकेज मे एक्ट एज अ प्लस एम ग्रुप और अ माइनस एम ग्रुप। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, देखो ये किससे लगा हुआ है, इससे एन से लगा हुआ है ये चीज, तो ये इस तरह से देगा, तो यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप कैसा हो जाएगा, इट इज़ अ प्लस एम ग्रुप ग्रेटर देन माइनस आई। समझ में आ रही बात है। यहाँ पे बताओ NH3 प्लस, ठीक है NH3 प्लस में बताओ कैसा लग रहा है आपको, देखो ओनली इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये केवल और केवल माइनस आई ग्रुप है, क्यों ध्यान से देखो एक बार इसको, क्वेश्चन को समझ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्या है NH3 प्लस, ठीक है तो हम इसका एक बार एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बताओ क्या यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा हुआ है, क्या कोई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं, अगर लोन पेयर नहीं है तो वो आपका प्लस एम तो हो नहीं सकता। माइनस एम के लिए क्या करोगे, इसको इसको ऊपर विड्रॉ करोगे, अगर मान लो इस डायरेक्शन में तुमने बना दिया इसका बॉन्ड, मान लो आपने इस डायरेक्शन में बना दिया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखो कुछ इस टाइप से बन जाएगा NH, और यहाँ पे क्या लगा लोगे इस तरह से रिंग लगा लोगे इस टाइप से, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ऐसा करते ही देखो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, पाप क्या हो गया आपसे कि ये नाइट्रोजन के बाहर में कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, तो आपने यानी देखो ये प्लस एम तो था नहीं क्योंकि लोन पेयर नहीं था, ऊपर विड्रॉ भी नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही विड्रॉ करके बनाओगे इसके कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, तो इस वजह से ना तो ये नीचे दे पाएगा ना ऊपर ले पाएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका कोई भी मीजोमेरिक वाला ग्रुप नहीं है, यानी ये सिंपली कैसा ग्रुप है NH3 प्लस को हमने माइनस आई के ऑर्डर में सबसे आगे लिखा था याद करो, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा आपका माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 9 बताओ ये कौन सा ग्रुप है, सोच के बताओ, ये भी कोई भी ग्रुप नहीं है, ना प्लस एम है ना माइनस एम है, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कई बार एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप सिस्टम में कार्बन कार्बन ही लगा के पूछ लेते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हो, जो आपको लग रहा है ये माइनस एम होना चाहिए ये कभी माइनस एम नहीं होगा, क्यों क्योंकि जो यहाँ पे एक्स डबल बॉन्ड वाई है ये दोनों के दोनों कैसे हैं कार्बन कार्बन लगे हैं, बाकी जगह देखो जैसे यहाँ पे एक्स डबल बॉन्ड वाई था तो एक कार्बन था तो एक ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों कार्बन है, यहाँ पे एक हेट्रो एटम प्रेजेंट था इस वजह से उसको माइनस एम बोल रहे थे, ये तो कार्बन कार्बन का सिस्टम है यानी ये तो पूरा रेजोनेंस का सिस्टम है, यानी ये आपका कहीं से भी ना तो प्लस एम है ना माइनस एम, इट इज़ ओनली जस्ट अ रेजोनेटिंग सिस्टम। कुछ बातें समझ में आई, चलो एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं फिर आपको और कॉन्सेप्ट इसका डेवलप होगा। चलो चलो क्वेश्चन 9 लिख लिया, क्वेश्चन 10 लिखते हैं।
ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। सल्फर SH, ठीक है। चल ये तीन क्वेश्चन और हैं, एक बार इस पे आप सोचो तो फिर हम बताते हैं। सोच लिया, एक बार ट्राई कर लिया, चलो आप करते हैं। यहां बताओ ये जो क्लोरीन ग्रुप है इसके पास क्या प्रेजेंट है, आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये इस तरह से डोनेट कर सकता है, तो अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, यानी ये ग्रुप कैसा होना चाहिए आपका, प्लस एम होना चाहिए। और आपका आयो जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस आई होते हैं। मैंने आपको बोला था कि हर बार प्लस एम डोमिनेंट होता है माइनस आई के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे माइनस आई डोमिनेंट हो जाएगा प्लस एम के ऊपर, तो ये वही वाला केस है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, स्टार करके मैं लिख देता हूं, जितने भी हैलोजन्स हैं उनका प्लस एम कम हो जाएगा किससे, माइनस आई से, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, पहले एक बार यहाँ पे समझते हैं। यहाँ बताओ ये है सल्फर, अब बताओ सल्फर के पास भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये चाहो तो इस तरह से डोनेट करा सकते हो, तो अगर डोनेट करा दोगे तो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, प्लस एम, ठीक है। ये आपको तो यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस एम क्यों हो गया। अच्छा सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, वेकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो अगर आप बॉन्ड को इस तरफ भी घुमा दोगे तो भी उसके पास खाली ऑर्बिटल है, अगर ऊपर घुमा दोगे तब भी वो बॉन्ड बना लेगा। क्यों बना लेगा, क्योंकि उसके पास पहले से क्या खाली है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो बॉन्ड बनाने में भी दिक्कत नहीं है। और देखो यानी न तो डोनेट करने में दिक्कत है, न तो आप या तो नीचे भेज दो तो भी दिक्कत नहीं है, ऊपर ले लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये ग्रुप जो है प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। यानी सल्फर लगा हुआ है सॉरी, तो अपने लोन पर को डोनेट भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर अगर ऊपर लेना हुआ तो ले भी लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अच्छा तो आप एक बार बताओ, जैसे सल्फर के पास वेकेंट डी प्रेजेंट है तो क्या क्लोरीन के पास वेकेंट डी नहीं प्रेजेंट है, उसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो चाहेगा तो ये भी इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट करवा सकता है। लेकिन हम मैक्सिमम केस में हैलोजन के लिए क्या लिखते हैं, प्लस एम लेस देन माइनस आई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये माइनस एम की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेलोजन्स आर ओनली प्लस एम ओनली माइनस एम बोथ प्लस एम एंड माइनस एम एंड डी नन ऑफ दिस, तो क्या आंसर सही होगा, बोथ प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। आ गई समझ में, आओ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो अब मेरे को लगता है कि आपका थोड़ा कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा तो आप इसको कर जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इस तरह से डोनेशन कर सकता है, ठीक है, इस तरह से डोनेशन कर सकता है। तो यानी ये जो NO ग्रुप लिखा हुआ है ये तो हम श्योर हो गए कि प्लस M हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये साइमल्टेनियसली X डबल बॉन्ड Y सिस्टम भी नहीं है, X डबल बॉन्ड Y सिस्टम नहीं है, तो क्या आप इसको इस तरह से भी शिफ्ट नहीं करा सकते हो, करा सकते हैं। तो यानी ये भी ग्रुप कैसा हो सकता है, प्लस एम भी हो सकता है और माइनस एम ग्रुप भी हो सकता है। तो ये जो तीनों बोर्ड में क्वेश्चन लिखे गए हैं ये तीनों के तीनों अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक बार जल्दी से उसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, एक बार छोटा सा कंसेप्ट और है उसको हम कहीं कहीं यूज करते हैं फिर हम देखते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो आप एक छोटा सा कंसेप्ट और है उसको एक बार समझ लेते हैं, ये हमें आगे के वीडियोस में काम आएगा, ठीक है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप आंसर देना। जैसे मान लो ये ग्रुप OH है, यहाँ पे एक बार हमने क्या लगा दिया, इस तरह से NO2 लगा दिया, ठीक है, NO2 लगा दिया इस तरह से। यहाँ पे मान लो अभी O- है, ठीक है, ये क्या है, O- है। और यहाँ पे एक बार और ऐसा केस एक ले लेते हैं, हम सिमिलर केस ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, O माइनस कर लेते हैं। और इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस O माइनस के लिए, इस O माइनस के लिए क्या ये NO2 जो यहाँ पे लगा है प्लस M होगा या माइनस M होगा, इस O माइनस के लिए ये जो NO2 लगा है क्या ये प्लस M होगा या माइनस M होगा, सोच के आपको जवाब देना है। चलो एक बार इसका जवाब मिलेगा रेजोनेंस से, एक बार अगर रेजोनेंस बनाएंगे इसका तो इस तरह से शिफ्ट करोगे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार देखो इसका अगर रेजोनेंस बनाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक बार इसका रेजोनेंस बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा
और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप मजे से अपना पड़ा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब फिर से रेजोनेंस हो सकता है क्या बताओ? निगेटिव सिंगल डबल फिर से रेजोनेंस हो जाएगा। चलो एक बार और रेजोनेंस करवा दिया, तो अब बताओ अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, हो ये इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ माइनस और यहाँ पे प्लस। अब बताओ इधर भी रेजोनेंस करा सकते हो, लेकिन चाहो तो नीचे भी करा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव सिंगल डबल, तो इस तरह से भी रेजोनेंस करा सकते हो। यानी आप देख रहे हो कि ओवरऑल इस माइनस चार्ज को ये जो NO2 ग्रुप है ये रेजोनेंस के थ्रू अपने तरफ खींच ही ले रहा है। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे, ध्यान सुनो, ये जो O माइनस है इसके ऊपर जो माइनस है ये रेजोनेंस के थ्रू इसके नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच ले रहा है। यानी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को कोई ग्रुप अगर अपने तरफ विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? माइनस M ग्रुप कहते हैं। यानी ये O माइनस के विथ रेस्पेक्ट में ये NO2 कैसा ग्रुप हो जाएगा? एक माइनस M ग्रुप हो जाएगा। लेकिन आप बताइए इसका आपने रेजोनेंस देखा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है? केवल इस पोजिशन पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और फिर एक बार यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा तो क्या ये कभी रेजोनेंस करके उसको बना पाएगा? नहीं। यानी इस ओ माइनस के रेस्पेक्ट में ये जो NO2 ग्रुप है ये कभी माइनस एम की तरह काम ही नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे ये क्या काम करेगा? ओनली एंड ओनली माइनस आई की तरह पड़ा रहेगा, लेकिन कभी भी माइनस एम वाला इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे जो NO2 है माइनस एम भी होगा, माइनस आई भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो NO2 है ये किसकी तरह काम करेगा? ओनली माइनस आई की तरह, माइनस एम की तरह ये काम आपका नहीं कर सकता है। ठीक है, एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप उसको चेक भी कर सकते हो, उसको आप चेक कर लेना और इस टॉपिक को फिर हम खत्म करते हैं। लिख लिया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हम इसको काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन 14 सिमिलर तौर पे बताना, आप सिमिलर बेसिस पे एक बार चेक करके देखना। अगर ये COH है आप एक बार NO2 ग्रुप को यहाँ पे लगा दो, और सिमिलर तौर पे यहाँ पे अगर ये COH ग्रुप है और एक बार NO2 को आप यहाँ पे लगा दो, ये क्या लिखा हुआ है? COOH लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगेगा ये माइनस एम माइनस आई की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगेगा ये केवल और केवल माइनस आई की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि रिंग में भी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में कैसे चेक करते हैं। अगर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और विड्रॉ कर ले तो माइनस है, नहीं ऐसा हो पा रहा तो वो कुछ नहीं बिहेव कर पाएगा। ठीक है, तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया रिगार्डिंग मेसोमेरिक इफेक्ट के। सो ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।